सब्सक्राइब कीजिए हिंदी में सीखो दिल से यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाइए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और इंटरनेट से जुड़ी हुई लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, हम ओपन कार्ड की जनरल थीम के अंदर सेटिंग्स के बारे में सीख रहे हैं और आज के अपने इस वीडियो में हम जो फुटर के अंदर लिंक्स होती हैं, ये लिंक्स जो है इसको किस तरीके से सेट करते हैं इसके बारे में जानेंगे। ये कस्टम पेजेस और लिंक्स जो है वो किस तरीके से बनाए जाते हैं इसके बारे में सीखेंगे। पहले हम देखते हैं कि हम पेजेस बनाते कैसे हैं एंड देन सेकेंड में जो है हम पेजेस को थीम के साथ में लिंक कैसे करते हैं वो सीखेंगे। जस्ट आपको जो है कैटेगरीज का ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है और कैटेगरी के ऑप्शन के जब हम क्लिक करते हैं तो सबसे नीचे यहाँ पर आके आपको इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस साइड में जो कुछ पेजेस यहाँ पर बने हुए हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपको अगर कुछ नए पेजेस बनाने हैं तो आपको इस प्लस के बटन पे क्लिक करके यहाँ पर पेजेस बना लेने हैं, जैसे कि यहाँ पर अबाउट अस और ब्लॉग पोस्ट व्यू डिलीवरी और इस तरह के ऑप्शंस के जो पेजेस यहाँ पर बने हुए हैं। तो यहाँ पर जो है जस्ट प्लस के इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है नए पेजेस के ऑप्शन हमारे पास ओपन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हम पेज का नाम और जो भी मैटर हमें पेज के अंदर डालना है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर पेज का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स वगैरह जो है और ये डेटा, यहाँ पर पेज इनेबल जो है स्टेटस यहाँ पर इनेबल होना चाहिए ताकि पेज जो है हमारा वहाँ पर डिस्प्ले हो सके और कुछ लेआउट के ऑप्शन यहाँ पर है। तो ये एक सिंपल जो है पेजेस क्रिएट करने का यहाँ पर एक ऑप्शन है जहाँ से आप ईजीली पेज क्रिएट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपके पास में यहाँ पर इस तरीके से आपके पेजेस जो है वो बनकर रेडी हो जाएंगे। और अब देखते हैं कि इनको हम हमारी जनरल थीम के अंदर किस तरीके से लिंक करते हैं। सिंपल है, जनरल थीम के अंदर जो है आपको यहाँ पर क्लिक करना है और हमारी जनरल से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग है वो सब इसी के अंदर है, जैसा कि आप सभी को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हमें फुटर लिंक्स एडिट करनी है तो जस्ट सिंपल फुटर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फुटर के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन जैसे ही हम फुटर के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है हमारा फुटर ओपन हो जाता है। जस्ट फुटर के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो इसकी सेटिंग्स जो है सारी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं फुटर मेरे सामने ओपन है और यहाँ पर आप जो नीचे बॉटम पे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर वो सेम लेआउट जो है वो बना हुआ है जो कि हमारे वेबसाइट के अंदर यहाँ पर हम देख सकते हैं। जैसे ये सोशल मीडिया को अगर हमें चेंज करना है तो सोशल मीडिया, ये लिखा सोशल आइकन फुटर्स, ये यहाँ पर आप देखिए ये जो छोटा वाला बटन है जस्ट आपको इस बटन को क्लिक करना है। जैसे ही आप इस बटन को क्लिक करते हैं तो आपके सामने इसकी सेटिंग्स जो है वो ओपन हो जाएगी। सिंपल जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं फेसबुक का जो बटन है उसका यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है और जस्ट आपको यहाँ पर लिंक जो यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला जो ऑप्शन है लिंक के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कस्टम के ऊपर क्लिक करना है। कस्टम लिंक के जब आप क्लिक कर देंगे तो आप अपने फेसबुक पेज का यूआरएल यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आपको बाकी सारे जो है सोशल मीडिया के आइकॉन्स उनके सबके लिंक जो है अपने यहाँ पर आपको पेस्ट करना है और उसको आपको यहाँ पर सेव कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर सेव करेंगे तो आपके जो लिंक से ये सेव हो जाएंगे। फिलहाल हम पेजेस को किस तरीके से लिंक करना है उस चीज़ के ऊपर बात कर रहे थे। तो यहाँ पर आप देखिए फुटर कस्टम लिंक्स यहाँ पर लिखा हुआ है एंड फुटर कस्टम सर्विसेज, तो ये सेम चीज़ जो है हमारे पेज के ऊपर यहाँ पर भी आपको दिख रही है, फुटर कस्टम लिंक यहाँ पर और ये फुटर कस्टम सर्विसेज ये जो है आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो बहुत ही आसान है, इसको यहाँ पर भी अगेन आपको उसी आइकन के ऊपर क्लिक करना है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर एक पेन बना हुआ है ये इस पेन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे अगेन जो है हमारे सामने वो सारे पेजेस ओपन हो जाएंगे जो कि हमारे फ्रंट पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अबाउट अस के पेज के ऊपर क्लिक करेंगे, जस्ट यहाँ पर हम कस्टम के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम ओपन कार्ड पेजेस जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है हम हमारे जो पेजेस हमने बनाए हुए हैं उन पेजेस को
सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जस्ट नीचे जाएंगे और अबाउट अस जो है उसका पेज सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको जो है इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हमने जितने भी पेजेस बनाए हैं वो हमारे कैटलॉग के इन्फॉर्मेशन में बनाए हुए हैं। तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो है हम हमारे जो इन्फॉर्मेशन के अंदर जो पेजेस हमने बनाए हुए वो यहाँ पर डिस्प्ले होने स्टार्ट हो गए। जस्ट अबाउट के ऊपर क्लिक करेंगे, देन इसको सेव कर देंगे। सेम ऐसे ही जो है हम डिलीवरी वाले पेजेस के ऊपर भी जो जाएंगे और यहाँ पर डिलीवरी इन्फॉर्मेशन जो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही हम प्राइवेसी पे जाएंगे और प्राइवेसी पॉलिसी सिलेक्ट कर लेंगे। वैसे ही हम टर्म्स कंडीशंस के अंदर जाएंगे और टर्म्स एंड कंडीशंस जो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। वैसे ही हम अकाउंट्स के अंदर जाएंगे, माय अकाउंट जो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। वैसे ही ऑर्डर्स में जाएंगे, ऑर्डर हिस्ट्री यहाँ पर सिलेक्टेड है ऑलरेडी। और वैसे ही यहाँ पर कस्टम जो है, अगर हमें कोई और लिंक यहाँ पर बनानी हो तो हम उस लिंक को यहाँ पर कस्टम जो है यहाँ पर उसका नाम दे देंगे और वो लिंक को यहाँ पर हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे। जैसे ही हमने यहाँ पर सपोज दैट कस्टम पे क्लिक किया तो यहाँ पर लिंक जो है हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो हम यहाँ पर कस्टम लिंक भी बना सकते हैं। तो फिलहाल इसको सेव करते हैं। तो ये सेव हो चुका है। ये फूटर कस्टम लिंक्स था और फूटम कस्टम सर्विसेज। सेम जो है जिस तरीके से हमने यहाँ पर देखा है वैसे का वैसे जो है वो यहाँ पर भी है। हम ये जो है ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट यहाँ पर पेजेस बने हुए हैं और वो लिंक भी है। अगर हम लोग कुछ अलग से पेजेस और बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर बना के उसका भी कस्टम लिंक बना के लगा सकते हैं और जस्ट सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। यही सेम चीज़ अगर हमारे हेडर के ऊपर भी अगर कुछ मेनू लगे हुए हैं यहाँ पर, जैसे अबाउट एफएक्यू और ये कस्टम लिंक है सिंपल, ये सेम चीज़ जो हमने फुटर में की थी वही सेम चीज़ हमें हेडर में करेंगे। जैसे हेडर के ऊपर क्लिक करेंगे और हेडर के ऊपर क्लिक करके हमारा मेन मेनू ओपन हो जाएगा। मेन मेनू में जो है ये मेन मेनू 2 के नाम से यहाँ पर बना हुआ है। जस्ट ये अबाउट का पेज जो है अबाउट पे लिंक है, एफएक्यू का पेज जो है एफएक्यू पे लिंक है। ये सिंपल आपको लिंक यहाँ पर जो है वो बनाना आना चाहिए। जस्ट ये लिंक कॉन्टेक्ट वाला पेज कॉन्टेक्ट पे लिंक है, ब्लॉग वाला पेज ब्लॉग पे लिंक है। तो इस तरीके से जो है हम चाहे हेडर हो चाहे फुटर हो कस्टम लिंक्स जो है वो बना के उसको हम लिंक बना के डिस्प्ले कर सकते हैं, लगा सकते हैं, जो कि जनरल थीम के अंदर बहुत ही आसान है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके एक एक लाइक और एक एक शेयर से हमें उत्साह मिलता है और इस तरह के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ हम आपके लिए और भी लाते रहेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का और बाकी सब लोगों को भी टेक्नोलॉजी का ये अपडेट्स मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।